बहुत अच्छा लगा है, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, ये लोग बहुत अच्छे हैं। लोहरी की मूंगफली जल्दी। वेलकम बैक टू माई चैनल राज दिखाई ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग, आशा के सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। सो आज कल के ब्लॉग में मैंने आपसे बोला था कि ईजा आ रहे हैं घर, आज तो ईजा घर आ रहे हैं, बट बहुत शाम हो गई है। शाम मीन्स 5 बज गए हैं। ईजा लोग अभी रास्ते में हैं, पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो अभी आज का ब्लॉग का इंट्रो मैं शूट कर रही हूँ अपने ड्राइंग रूम से, क्योंकि आज हमारे थोड़ा गेस्ट आने वाले, तो मैंने कहा यहीं से अभी मैंने थोड़ी साफ़ सफाई की थी इधर, आज हमने अच्छे से, और दिन रूम ऐसे बंद रहता था ना क्योंकि ट्यूशन के बच्चे आते थे, आज हमने इसको अच्छे से सेट कर दिया है बढ़िया से। मीन्स आज लग रहा है हमारा ड्राइंग रूम जैसा, और दिन बिल्कुल सब सोफे पर सब चिपके रहते थे, थोड़ा ऐसे ही रहता, तो मैंने कहा आज यहीं से अपना इंट्रो शूट कर लेते हैं। सो गाइस अभी ईजा लोग आएंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों से जब आए तो उस वक्त फ़ोटो शूट हो, मतलब मीन्स वीडियो बना सकूँ, क्योंकि पता है उस वक्त हम घर की बहू हैं, हमको चाय पानी का सब कुछ करना पड़ेगा, तो उतना नहीं कर पाऊँगी। अगर होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, फिर आप लोग को ईजा से मिलाऊँगी, दीदी से मिलाऊँगी। सो तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहना, और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। आज बैग पे बैग आ रहे हैं एक के बाद। अरे मैं गरीब, अक्षय की ड्यूटी पे लग गए। गुड, पैर पैर नीचे होते हैं, पैर नीचे, गुड। हाँ सीताराम। ये देखो मेरी ननद है ये भड़काने वाली। इनका नाम है निहारिका फ्लोरिया, इनका नाम है कहाँ गया, और वो आ गए दीदी दीदी दिव्यांशी फ्लोरिया, और ये कहाँ देखे नाम भूल गए। अब खुल गई है सिस्टी, अब कैमरा चालू हो गया तो सिस्टी बोल नहीं, तो अभी तो बोलेंगे। और हमारे भी तो हमारे जीजाजी भी आ चुके हैं, दीदी भी आ चुकी हैं। नमस्कार। नमस्कार, आशीर्वाद। सो आज हमारे सारा परिवार सब एक साथ है, दीदी जीजाजी बच्चे सभी आए, और हमारे मेहमान भी आए हैं काफी, उनसे आपको मिलवाते हैं। अब अंदर को चलते हैं जीजाजी के साथ, अभी तक नहीं गए थे। मैं साई पर्सन, मैं अंदर आऊंगा ही नहीं बोल रहे, हेड़ो चलो 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 आप आगे, मैं आपके पीछे पीछे। जिया जी, जिया जी इंट्रोडक्शन करवाएंगे। हाँ इंट्रोडक्शन कराएंगे ना। हाँ अपना कराएं, या हमारे जो मेहमान आए हैं, मेहमानों से हम सबसे मिल चुके हैं। वाह क्या बात है। हेलो, ये हमारे गुप्ता जी हैं, दिल्ली के राजा के सेवक जिनको कहा जाता है, सेवक। अच्छा ठीक है नहीं, और वो उनकी धर्म पत्नी है एकता जी, और ये हमारी उन्हीं की बड़ी सिस्टर, हमारी बहन जी दीदी जी दीदी जो है बाहर को, ये हमारे वहाँ जो है मूर्ति प्रतिष्ठा थी माँ भगवती की, तो हमने इनको मेहमान के तौर पर, अतिथि के तौर पर जो है इनको सादर आमंत्रित किया था, तो ये आए, काफी अच्छा लगा। हमारा मान रखा, हमने इनका मान रखा, और आज हम अपने ससुराल आए हैं, अपने ससुराल पहुंच चुके हैं। इनको लेके तो हमें नैनीताल जाना था। नैनीताल नैनीताल घुमाएंगे। नैनीताल बड़ा भी नहीं गई है, क्या ही नहीं जाना हो रहा है। नैनीताल में ही बहुत है। दूसरी तरह हमारे सैफ आज बना रहे हैं खाना, आज दो सब्जी बन रही है, एक ऑफ़ कोर्स पनीर की बनेगी, आपको पता है मेहमानदारी में पनीर बनता ही है, हमारे किचन का हाल आप देख सकते हो, और दूसरी तरफ सैफ खाना बना रहे, और यहाँ पे बाहर बच्चों की महफिल बनी हुई है। क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, मूंगफली खा रहे हो, मैं भी मूंगफली खा रहा हूँ, दूसरी तरफ भी चल रहा है अभी मूंगफली दाना, मूंगफली। हाँ लोहरी की मूंगफली जल रही है, सही बोला जिया जी ने।
बहू रानी ने बड़ी स्वादिष्ट मूंगफली। दादा पूछ रहे ब्लॉग बना रहे हो, चलो आप लोग कंटिन्यू रखो, मैं बाहर का बताती हूँ किचन का। यहाँ पे डांस हो रहा है, रात के 11 बज रहे हैं अभी, हमें शाम से हम अभी फ्री हो रखे और बच्चे यहाँ पे डांस करने के, सभी लेट गए अपनी जगह पे। अब ये देखो वहाँ पे चली नहीं, वो ऐसे करके यूटर्न लेंगे बोल रहे हैं। चलो यहाँ पे सब डांस का आनंद लेने के लिए। सब इम्प्रेस हो गया डांस से। सौदा करा करा सौदा करा करा जी, आजा आप ही करो। हाँ अरे पहाड़ी है, सब समझ में आएगा। दर्शक यहाँ पे ऐसे बैठे हुए, कोई नाखून चुबा रहा है अपने। दूसरा कह रहे ये क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। उन्हें पहाड़ी समझ में नहीं आ रही ना, वो कह रहे कर क्या, ये क्या बज रहा है, कौन सा स्टेप कर रहे हैं। पर ईजा बैठे, दीदी बैठे, लो इनको पहाड़ी नहीं आती है, फिर भी वो एंजॉय कर रहे हैं पहाड़ी। जी उठा उठा उठा, ये आज 12 बज गए, आप ही सब गुड मॉर्निंग बोल के सोना है दूसरे को। हे गुड मॉर्निंग सभी को, सब भी अभी सो के उठ रहे हैं और मिस्टर जी दे रहे हैं सब कुछ चाय। आपको मेरी हर वीडियो में मिस्टर जी मिलेंगे ही मिलेंगे। उनकी सर्विस चलती रहती है। बच्चे नहीं पी रहे, बच्चे सोए हैं अभी। चलो सबने नहा लिया है गाइस, अभी मैं देर में इंट्रो शूट कर रही हूँ और साथ में चल रहा है टीवी, क्योंकि आज 26 जनवरी है, उसकी परेड आएगी। हाँ हमारे उत्तराखंड की परेड भी है आज के दिन, आज झांकी चलेगी उत्तराखंड की। दादा गुड मॉर्निंग, ये हमारे ड्राइवर भाई साहब आए हैं और इधर इधर देखो हमारे आज। मैं अच्छा, ये सुबह सो गए हैं, अच्छा चलो इधर चाय पी लो। ये भी अपनी चाय वाय लेके आ गए हैं, अब हम अपने दोबारा किचन में घुस जाते हैं। ये हो रखा है सुबह सुबह चाय वगैरह बनाई, तो सब यही हो रखा है। हे गाइस आज है दूसरा दिन, आज सभी सुबह का हमारी पूजा पाठ हो गई है, नहा धो लिया, सभी तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। आज दीदी लोग जा रहे हैं नैनीताल को, हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि मिस्टर जी को छुट्टी नहीं है, क्योंकि बीच में थी छुट्टी ले ली थी, कल ही हमने छुट्टी ली थी, तो कह रहे हैं कि आज मैं छुट्टी नहीं लूँगा, तो मेरा जाना नहीं हो रहा है, यही है। और बस अब मैं आपको, सबका चाय पानी चल रहा था, आपने अभी गुड मॉर्निंग का देखा ही, तो अब बन रहा है खाना पीना। खाना पीना होके सब फटाफट से अब निकलेंगे, आज हमारा त्यौहार भी है, आज हमारे बसंत पंचमी का त्यौहार है जिसमें माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, वही। और पीले कपड़े पहने जाते हैं, जो कि मैंने पीला अभी कुछ पहना नहीं है। आज बच्चे रुमाल लगाते हैं, सरस्वती माँ की वंदना करते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। अब आज आएंगी पिक्स, अब अपलोड होंगी काफ़ी। सो आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलते हैं अंदर, आपको आगे की एक्टिविटी दिखाते हैं, सभी को बाय बाय करते हैं, फिर मिलते रहेंगे मुसाफिर ऐसी कल। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में सभी को जौ लग रहे हैं, टीका लग रहा है, हजार
गाइस देखो दूसरी जगह वहाँ पे 26 जनवरी के लिए बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं। भारत माता की जय। बच्चों की रैली निकल रही है। हाँ सिस्टर को भी लगा दिया है। रुपए इधर ला। मामा सिस्टर मामा कह रहे मेरे को दे दो, मामी को दे दो, लो दे दो, मैं आपके लिए बुलाऊंगी। तो जो सबको लग गए हैं बसंत पंचमी के उपलक्ष में जो कि दीर्घ आयु के लिए लगाए जाते हैं, अब हम हमारे मेहमानों से पूछेंगे उनको कैसा लगा हमारे यहाँ पे। हमारे पंजाब से आए हैं वो लोग, पंजाबी हैं, दिल्ली है बट है तो पंजाबी ना, वही तो तब मैं कह रही हूँ कि पंजाबी हैं। सो उनका चल रहा है अभी मोजे का कार्यक्रम, सभी ने जॉब वगैरह लगा रखे हैं बढ़िया से। सो कैसा लगा आपको यहाँ आके हमारे उत्तराखंड में? बहुत बढ़िया, हैप्पी बसंत पंचमी एंड रिपब्लिक डे सभी को। हमारा हो गया है मोजे का कार्यक्रम, अब हम बनाएंगे। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये क्या होता है? अच्छा। ये है जो, ये घास होती है, ये यहाँ पे आज बसंत पंचमी मनाई जा रही है और ये हमारे और हमें बहुत अच्छा लगा है क्योंकि आप गोलू मोलू से हो ना। इन्हें को 100 रुपए मिले हैं निष्ठा को हमारे, हमें नहीं मिले हैं बट अभी मिल जाएंगे। चलो सारे काम वाम हो के अब हम चलते हैं। रील्स बनाने चलो बोल रहे हैं। चलो फिर हाँ जी कुछ बोल रही है। हाँ अब बोलो हैप्पी रिपब्लिक डे। अब आज काफी महफिल बनी, सबको जोन लग चुके हैं, आज त्योहार बना हुआ है बढ़िया सा। हाँ पंचमी, हम दिल्ली में रहते हैं, हमें तो हमें पता नहीं लेकिन यहाँ का कल्चर आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हमें चीज देखने को मिली है कि बसंत पंचमी कैसे मनाई जाती है, बहुत अच्छा व्यूज है। अभी तो आप थोड़ा रहते पूरी हलवा खा के जाते हो तो आप जल्दीबाजी में हो ना, तब इनको मीठा खिला रहे हैं। हाँ सदैव मीठे रहे हैं। हाँ। और हम भी मीठे रहे, मीठे रहे। सबका मुंह मीठा कर रहे हैं अभी। चलो अब सभी की वापसी होने लग गई है, सब जा रहे हैं नैनीताल की तरफ। अब भी हो गई थी बम्मा, सबके बैग बैग पैक हैं, धूप बड़ी अच्छी आई आज। सो गाइस अभी जाके अब फ्री हुए हैं, अभी हो रहा है दिन का 11:30। सुबह से मीन्स लगे हुए थे, कल से भी लगे हुए थे और मीन्स इतना अच्छा लगा कि दीदी लोग के साथ मेहमान आए थे, वो दूर के ही थे, हम जानते नहीं थे दूसरे को, हमारे घर पे आए गेस्ट के रूप में, बट उन लोगों का एक जो मेल जोल होता है ना, एक उससे मिलना और किसी के साथ बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाना और बिल्कुल खुल के बातें करना, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उन लोगों का हमारे घर पर आना। और चाहेंगे ऐसी वो और हमारे यहाँ पे आए, हमसे मिलते रहे, मुलाकातें होती रहे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और उन्होंने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया, जब उन्होंने पूछा कि आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो मुझे क्योंकि मम्मी जी ने उन्हें बताया होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ पे लगा फीलिंग यार क्या जो है, बट बहुत अच्छा लगा। थोड़ा रूम की हालत सही कर देती हूँ, फटाफट से इसको सही कर लेती हूँ, उसके बाद बाहर बहुत अच्छी धूप आ रखी है, आज बाहर थोड़ी देर बैठते हैं। अब आपको मिलूँगी नई वीडियो में। सो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर आपको कहीं पे कुछ अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में।